मास्क नहीं डबल मास्क लगाइए। जी हाँ, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। सिंगल मास्क से आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप एक ब्लू वाला जो सर्जिकल मास्क होता है वो लगाते हैं तो उसके ऊपर एक कपड़े वाला मास्क जरूर लगाइए। वैसे सबसे बेटर जो मास्क है वो N95 है, वो भी ओरिजिनल, क्योंकि N95 के नाम से बहुत सारे डुप्लीकेट मास्क भी मार्केट में बिक रहे हैं। तो आपको ओरिजिनल N95 लेना है, उसको पहनेंगे तो कोरोना से संक्रमित होने के चांसेस जो हैं वो आपके बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सर्जिकल मास्क लगाते हैं जो ब्लू वाला जो 5 रुपये 10 रुपये में कहीं भी इजीली मिल जाता है, तो उससे आप सिर्फ डस्ट से धूल मिट्टी से तो बच सकते हैं लेकिन कोरोना से नहीं बच सकते। तो डबल मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, घर में हैं तो साबुन और पानी से लगातार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए जितना ज़्यादा पॉसिबल है। प्लीज़ घर में रहिए। इस वक्त जिंदगी की सबसे जो अनमोल चीज़ है वो है सिर्फ जीवन, सिर्फ जिंदगी। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ जिंदगी ही बची है, बाकी सब चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं। चाहे लोगों ने बहुत सारे घर बना लिए हों, चाहे बहुत सारी गाड़ियां ले ली हों, बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया हो, क्योंकि कोरोना को नहीं पता कि आप रिच हैं या पुअर हैं या आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं। तो प्लीज़ घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, घर में है तो साबुन और पानी से लगातार हाथ धोइए, डबल मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और बार बार घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि घर का सामान लाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, तो कम से कम 10 से 15 दिन का सामान एक साथ आपको अपने घर में लाना चाहिए। और दूध के लिए भी आपको हर दूसरे दिन बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो उसका पाउडर मिल्क आता है, जो ड्राई पाउडर आता है, जिसको घर में पानी गर्म करके और उसमें 1.5 चम्मच आप मिलाते हैं पाउडर को, तो वो बहुत ही अच्छी, उसकी भी बहुत अच्छी चाय बनती है। मैं खुद बनाता हूँ, मैं पाउडर मिल्क ही इस्तेमाल करता हूँ ताकि बाहर जाने को अवॉइड कर सकूँ। अगर आप सब्जियाँ ले रहे हैं तो 2 दिन की क्यों लेते हैं यार, 10 दिन की 15 दिन की लीजिए एक साथ, क्या प्रॉब्लम है, फ्रिज में रखिए। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ जितना ज़्यादा बच सकते हैं बाहर जाने से बचिए। बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। बाहर से लाया हुआ कोई सामान डायरेक्ट घर में मत लाइए, उसे आराम से दरवाजे पर ही रख दीजिए, उसको उसके बाद उसको धोइए अच्छे से, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल कीजिए। जूते चप्पल अभी आप घर के बाहर ही उतारिए, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो एकदम से लेके उसको अंदर मत आइए, अच्छे से पैर बाहर ही धो लीजिए, या घर में घुसते हैं तो डायरेक्ट पहले वॉशरूम जाइए, अपने हाथ पैर बहुत अच्छे से धोइए, खुद को सैनिटाइज कीजिए, और कपड़े अगर चेंज कर सकते हैं तो कपड़े चेंज करिए, उसके बाद ही आप अपने परिवार वालों से के साथ उठिए बैठिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा फियर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपने अंदर या अपने परिवार वालों के मन में। सबसे पहली बात, न्यूज़ चैनल देखना बंद कीजिए। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी भी है कि आपका मन है कि आपको पता होना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो 5 से 10 मिनट में किसी भी न्यूज़ चैनल में पता चल जाता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन पूरा दिन 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे 15 घंटे लोग अपने घर में टीवी चला के रखते हैं, वो भी न्यूज़ चैनल, और बार बार देखते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने लोग संक्रमित हो गए, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो सब चीज़ें एक फियर क्रिएट करती हैं। तो उससे बचिए, फियर क्रिएट होगा और आपको अगर कोरोना होगा तो आप बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी फिल्म्स देखिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताइए, अच्छी डाइट लीजिए, रोजाना एक्सरसाइज करिए, आपको कोरोना नहीं होगा। और याद रखिए, वैक्सीन लगवाना बिल्कुल मत भूलना। जितने भी लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या बहका रहे हैं कि वैक्सीन में कुछ प्रॉब्लम है, लोग और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, ये अफवाह है, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि डबल दोनों डोज लेने के बाद अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो वो उसकी डेथ हो गई है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि 97% तक चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप कोरोना से फाइट कर सकें और सर्वाइव कर सकें अगर आप वैक्सीन की डबल डोज ले लेते हैं। गाइज अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।